यहाँ पर प्रश्नावली देखते हैं 12.4। प्रश्नावली 12.4, तो 12.4 में चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया गया है, सम्मुख कोण हमें निकालना है। जैसे क्वेश्चन पहला है, चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया हुआ है, सम्मुख कोण निकालना है। चक्रीय चतुर्भुज कैसे होता है? इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि पहला कोण दिया रखा 70 डिग्री, तो इसके चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण की वैल्यू क्या होगी? तो सम्मुख कोण होगा इसका 180 में से 70 जाएगा तो हो जाएगा 110 डिग्री। दूसरा दे रखा है सम्मुख कोण, एक सम्मुख कोण हो गया 110 डिग्री। और दूसरा हम देखें, दूसरा कोण दे रखा है कितना, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री का सम्मुख कोण क्या होगा? 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री। तीसरा कोण दिया हुआ है 112 सही 1/2 डिग्री, इसका सम्मुख कोण क्या होगा? यानी 112 सही 1/2 डिग्री है, इसको 180 में से माइनस कर देते हैं, 112 सही 1/2 डिग्री, तो ये हो जाएगा 67 सही 1/2 डिग्री यानी कि 67.5 डिग्री। चौथा क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन दे रखा है एक कोण का मान दे रखा है 3/5 समकोण। 3/5 समकोण को हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 3 × 90/5, 5 × 1 = 18, 18 × 3 = 54 यानी 54 डिग्री दे रखा है। तो इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस 54 हो जाएगा, 180 माइनस 54 दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। फिर पांचवा कोण देखें, पांचवा कोण दे रखा है 165 डिग्री, 165 डिग्री, तो इसका सम्मुख कोण हो जाएगा 180 माइनस के 165, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। अब हम देखें चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण ज्ञात करने हैं यदि उनमें से एक कोण दिया हुआ है। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 है, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण निकालना है। चक्रीय चतुर्भुज का, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण निकालना है जबकि पहला क्वेश्चन या तो दूसरा क्या होगा 2x/7, दोनों को जोड़ देते हैं, x + 2x/7 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x + 2x 9x = 180 × 7 / 9। तो एक तो होगा 140 डिग्री और एक होगा 40 डिग्री, ये दोनों आंसर होंगे। दूसरा दे रखा है दूसरे का 11/4, एक कोण दूसरे का 11/4 दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में एक कोण दूसरे का 11/4 है, तो 11/4 में क्या होगा? जैसे कि पहला माना हमने x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 11x/4, दोनों को जोड़ देते हैं 11x/4 + x = 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 15x = 180 × 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 × 4/15, तो 15 × 15 = 30 और 12 × 48 = 48 यानी x की वैल्यू 48 डिग्री और एक आ जाएगी 132 डिग्री, तो ये सम्मुख कोण आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD दे रखा है। जैसे ये वृत्त है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD, तो इस तरीके से वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, ये ABCD यहाँ पर दे रखा है 2 डिग्री, यहाँ पर दे रखा है 2x डिग्री, यहाँ पर दे रखा है 2y और यहाँ पर दे रखा है 3x। तो यहाँ पर हम देखें चक्रीय चतुर्भुज के, जैसे कोण A प्लस कोण C की वैल्यू 180 60 यानी कि 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट हम देखें
एक्स और थ्री एक्स यानी कि एंगल ए प्लस एंगल वी एंगल डी प्लस एंगल वी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी है यहाँ पर 2x प्लस एंगल वी है यहाँ पर 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 5, तो इससे क्या कटेगा 5 3 15 और 5 6 36 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखें एंगल डी की यानी कि एंगल डी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी जैसे एंगल वी की वैल्यू है नेक्स्ट हम देखें फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले दो वृत्त बना लेते हैं जैसे एक वृत्त ये है एक वृत्त यहाँ पर ये है इस तरीके से। इसमें ये वैल्यू है हमारी, इसको टच करके हम बनाते हैं जैसे कि ये वैल्यू है इसमें ये दे रखा है 91 डिग्री यानी कि ए बी सी डी ई है, ये दे रखा है 65 डिग्री, ये दे रखा है हमने ए, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी और ये दे रखा है डी। हमें ए बी सी डी को मान निकालना है कि ए बी सी डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ए बी सी डी का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या है। ए बी ई एफ एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि वृत्त के अंदर बन रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है हमारा ए बी ई एफ। तो ए बी ई एफ में एंगल जो है बी ए एफ प्लस एंगल बी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री, बी ए एफ दे रखा है यहाँ पर। और दूसरा हम देखें बी ई एफ एंगल बी ई, लेकिन हम देखें एंगल बी ई एफ है बी ई एफ प्लस एंगल वी ई डी ये भी 180 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों को हम बराबर कर देते हैं यानी कि एंगल बी एक समीकरण ए को समीकरण दो को बराबर करते हैं। तो एंगल बी ए एफ प्लस एंगल वी ई एफ इक्वल टू एंगल वी ई एफ प्लस एंगल वी ई डी। तो बी एफ से बी एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी एफ इक्वल टू बी ई डी हो जाएगा। एंगल बी ए एफ इक्वल टू एंगल वी ई डी, तो वी ई डी एंगल कितना है एंगल ए, तो बी ए एफ कितना है 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू आ गई है 65 डिग्री। अब ए और डी की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है चक्रीय चतुर्भुज में। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 180, तो एंगल डी की वैल्यू होगी यहाँ पर 115 डिग्री। अब दूसरा हम देखें इसी तरीके से Thank you.
कितने टाइम हो रहा है? 30 मिनट बाद खाओ तो जैसे हमारे पास में चक्रीय चतुर्भुज का एक एंगल आ गया है, जैसे दो वृत्त है, दो वृत्त से चक्र ए बी सी डी ई एफ, ये एंगल ए है हमारे पास में, ये आ गया है 65 डिग्री, तो एंगल डी हम निकाल लेंगे। ये हमसे पूछा है बी सी और डी, सी और डी, तो एंगल डी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये एंगल है हमारा, डी की वैल्यू आ गई 115 डिग्री।
इसी प्रकार से हम दो एंगल हैं हमारे, जैसे कि एंगल ए एफ, ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इक्वल टू हम एंगल कर देंगे एंगल सी बी ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी बी ई, ए एफ ई इक्वल टू सी बी ई, ये वाला एंगल। तो ये कितने का होगा 90 डिग्री का, यानी एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 91 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 91, तो हो जाएगा एंगल बी की वैल्यू 89 डिग्री। तो 89 डिग्री आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि समांतर दे रखी है बीसी, ये चक्रीय चतुर्भुज है वृत्त के अंदर, ए बी समांतर दे रखी है, ए बी समांतर दे रखी है सी डी के, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ए डी समांतर है बी सी के। सिद्ध करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तो कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पर हम ए और बी को मिला सकते हैं, यानी रचना में हम लिखेंगे ए व बी को सी और डी से मिलाया, यानी ये चीजें जो है यहाँ पर रचना में आएंगी, ये वाली चीज हमने रचना से प्राप्त होंगी, ये रचना से प्राप्त होगी, ये रचना से प्राप्त होगी, रचना ए को बी से तथा सी को डी से मिलाया। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बी सी ए, एक त्रिभुज की रचना बनती है यहाँ पर बी सी ए, और एक त्रिभुज ये बनता है। तो त्रिभुज यानी एंगल बी सी ए, बी सी ए की वैल्यू हमने मान ली है x, और बी डी ए, बी डी ए की इसकी वैल्यू मान ली है हमने x, बी डी ए एंगल बी डी ए इसकी वैल्यू भी मान ली हमने x, क्योंकि ये एक ही खंड में बने हुए कोण है, त्रिभुज के एक ही खंड में बने हुए कोण है, हमने ये बराबर है, और बी सी समांतर क्या दे रखा है ए डी दे रखा है। इसी तरीके से हम देखें एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी मतलब कि ये एंगल, ये सी ए डी क्या है, सी ए डी एंगल ये एक्स है, ये बी सी ए के बराबर होगा, बी सी ए के इक्वल टू एंगल के इक्वल टू एंगल बी डी ए, और एंगल सी ए बी है वो इक्वल टू होगा एंगल बी डी सी के, क्योंकि ये एक ही खंड में है, वृत्त के एक ही खंड में है इसलिए। तो इनको हम जोड़ देते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण दो, दोनों को जोड़ देते हैं, सी ए डी और सी ए बी को जोड़ेंगे, एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल बी डी ए प्लस एंगल बी डी सी। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एंगल ए बन जाएगा इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा डी, और ये हमें सिद्ध करना था। छठवा क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज रखा है, जैसे कि ये वृत्त है यहाँ पर, ये ए बी यहाँ पर है, ए बी सी और डी चक्रीय चतुर्भुज है, और इस तरीके से इस लाइन पे मिला हुआ है ये। अब इसमें भुजा ए बी और डी सी को ई तक बना मिला दिया हमने, सिद्ध करना है ए बी और डी सी को बढ़ाने पर ई पर मिलती है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ई बी सी और त्रिभुज है ई डी ए,
ई बी सी ई डी ए क्या है? समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे यहाँ पर? जैसे कि हम क्या करते हैं, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ पर ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल ए है वो इक्वल टू होगा एंगल बी सी डी के, क्योंकि वैषकोण अंत समकोण के बराबर होते हैं, यानी एंगल ए है ये बी सी डी के बराबर होगा, यानी कि अंत समकोण बराबर होते हैं। इसी तरीके से एंगल जो डी है वो इक्वल टू हुआ एंगल सी वी ए के। अब हम देखें त्रिभुज में, जैसे कि त्रिभुज ई बी सी और ई डी ए में देखें, त्रिभुज ई डी ए, इसमें क्या होगा? जैसे कि एंगल है बी सी ई, यानी ये वाला एंगल जो है बी सी ई इक्वल टू होगा एंगल ए के, और एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई है ये इक्वल टू होगा एंगल डी के, यानी ये वाला एंगल है हमारा इस एंगल के इक्वल होगा एंगल डी के, और एंगल है हमारा जैसे एंगल ए ई ओ वो इक्वल टू होगा एंगल वी ई सी के, क्योंकि ये कोवेनिस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये समरूप हो जाते हैं दोनों त्रिभुज ए बी सी ई डी। ये करना था किस नियम से? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है? एक व्रत दे रखा है, इस वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। जैसे चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ए वी सी और डी, इसके समद्विभाजकों के द्वारा जो चक्रीय चतुर्भुज बनता है, समद्विभाजकों के द्वारा चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनेगा? जैसे इसका समद्विभाजक ये हो गया, इसका समद्विभाजक ये हो गया, फिर इस एंग का समद्विभाजक ये हो गया, इसका समद्विभाजक ये हो गया। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है जिसे हम बोलते हैं पी क्यू आर एस। तो हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो कैसे सिद्ध करेंगे यहाँ पर? जैसे हमारे पास ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया है, यहाँ पर ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो दोनों का हाफ हाफ कर देंगे 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/2 ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से हम एंगलों के नाम दें, जैसे कि एंगल हमारा ये 1 है और ये एंगल हमारा 3 है, तो दोनों का योग कितना हो गया? 90 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से हमारे जो एंगल 2 है, यहाँ पर जैसे एंगल 2 नाम दे देते हैं इसको, यहाँ पर देते हैं 4, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू भी 90 डिग्री है। इसी तरीके से हम देखें यहाँ पर त्रिभुज, देखें ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में बात करें, ए एंगल 2 प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल पी की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 180 माइनस के दोनों एंगलों का योग, यानी एंगल 1 माइनस एंगल 2।
इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एंगल क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल क्यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 180 माइनस के एंगल 3 और एंगल 4 दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी यहाँ पर। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम, तो एंगल पी और एंगल क्यू को हम जोड़े हैं। एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू क्या होगा, 360 में से हम सबको घटा देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, और तीनों का योग कितना होता है 180, यानी 360 माइनस के 180, तो कितना आ गया 180, यानी एंगल पी और एंगल क्यू है वो 180 डिग्री आ गए। तो 180 डिग्री समकोणों का योग चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया है कि पी क्यू आर एस के चतुर्भुज हैं, पी क्यू आर एस के समकोण संपूरक हैं, पी क्यू आर एस के समकोण संपूरक है। हम कह सकते हैं कि ये पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है।